सी पैटर्न प्रोग्रामिंग के इस ट्यूटोरियल में हम आज देखेंगे इस पैटर्न को जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अभी तक हमने कुछ पैटर्न्स देखे हैं इस ट्यूटोरियल में, और अगर आपने उन सब पैटर्न्स को नहीं देखा है तो आप एक एक करके उनको देख सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका ये शेप दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप है, जबकि हमने पीछे कुछ ऐसे शेप देखे थे ट्रायंगुलर शेप और उसके लॉजिक को बिल्ड करने के बारे में भी हमने देखा था। तो आप एक बार जो है उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैंने बना रखी इसके लॉजिक को बिल्ड करने के लिए। उसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जा कर के आप देख सकते हैं। लेकिन इसका प्रोग्राम लिखना भी बहुत ही सिंपल है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। आप अगर इस प्रोग्राम को देखो, यहाँ पर जो पैटर्न हमें प्रिंट कराना है इसको देखो, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रो में कैपिटल ए है, सेकंड रो में कैपिटल बी है, थर्ड रो में कैपिटल सी है, इस तरह से है। तो अगर आप ध्यान दो तो जब हमने देखा था कि नेस्टेड फॉर लूप लगाते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर कोड ब्लॉक्स में आता हूँ तो यहाँ पर मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक फॉर लूप है और इसके अंदर एक फॉर लूप, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। जब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप होता है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो यहाँ पर आपका दो फॉर लूप है, और यहाँ पर जो है आपके तीन कंपोनेंट होते हैं, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ऐसे यहाँ पर भी तीन होंगे। तो आप जो है एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो आपका होता है कंडीशन, वो जितनी बार ट्रू होता है उतनी बार ये वाला प्रोग्राम चलेगा, लेकिन ये जो फॉर लूप है इसको चलाने के लिए ये वाला जो यहाँ पर कंडीशन है इसका ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी कंडीशन होगी हमारी इस वाले फॉर लूप में, आउटर फॉर लूप में, वो कंडीशन जब जब ट्रू होगी तब तब ये फॉर लूप चलेगा। तो हमारी ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होना जरूरी है। और यहाँ पर जो भी होगा, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया है जे नाम का, तो जो वेरिएबल होगा यहाँ पर इनर फॉर लूप वाले में उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। लेकिन जो i यहाँ पर, सपोज हमने एक वेरिएबल लिया i नाम का, तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसके सिर्फ एक वैल्यू के लिए ये जितनी बार इस फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार इसके अंदर का ये वाला पार्ट चलेगा, यहाँ पर जो भी कंडीशन होगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसके जो एक वेरिएबल की एक वैल्यू के लिए, यानी सपोज i की वैल्यू हमने इनिशियलाइज किया 10 से, ठीक है। अगर हमने i की वैल्यू इस वाले फॉर लूप में 10 से इनिशियलाइज किया ऊपर वाले में, आउटर फॉर लूप में अगर हमने i की वैल्यू 10 से इनिशियलाइज किया है, तो उस टाइम पर i की सिर्फ 10 वैल्यू के लिए ये वाला फॉर लूप यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर सिर्फ j की एक वैल्यू कोई होगी उसके लिए ये वाली कंडीशंस पूरी चलेंगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ से उसके बाद क्या होगा, जैसे ये वाली पूरी कंडीशंस ख़त्म होंगी, यहाँ पर जो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा इनर फॉर लूप में वो चलेगा, और यहाँ पर j की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी जो इनर फॉर लूप में हमने वेरिएबल सपोज किया है, माना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपका है ए प्रिंट करना है, और आपको बताया था कि जब भी हम ऐसे पैटर्न को प्रिंट कराते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है रो के प्रिंटिंग पे। आप देख रहे हो कि ए प्रिंट करा है, यानी आप यहाँ पर समझ गए होगे जो आउटर फॉर लूप है, यहाँ पर जो आप आई वेरिएबल लिए हो इसकी वैल्यू हमें लिखनी होगी कैपिटल ए, जो कि यहाँ पर प्रिंट फिर हम करा सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, दो वेरिएबल हमें यहाँ पर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर है इंट आई और जे नाम का। अब एक चीज़ आप ध्यान दो कि एक आप यहाँ पर भी इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हो, और आप जो है यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों वेरिएबल्स में? तो जो ये आपका ए वेरिएबल है जो मेन फंक्शन के अंदर है, तो ए वेरिएबल आपका हो जाएगा लोकल वेरिएबल और ए आपका ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा। अब ये लोकल और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं? तो जो लोकल वेरिएबल होता है वो जिस फंक्शन में आप उसको डिक्लेयर करते हो सिर्फ उसी फंक्शन में उस वेरिएबल को यूज कर सकते हो, उस जो पूरा प्रोग्राम होगा उस पूरे प्रोग्राम के लिए नहीं आप यूज करोगे, सिर्फ आप उस एक फंक्शन के लिए यूज करोगे जिसमें आपने उसको डिक्लेयर किया हो। यहाँ पर तो आपका मेन फंक्शन के अंदर आपने यूज किया है,
तो आप यहाँ पर पूरे पर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज कोई हमने एक फंक्शन बनाया, एक छोटा सा फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हमने दो वेरिएबल यूज किए हैं, आप वो उन दो वेरिएबल्स को किसी अदर फंक्शन में नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जो ग्लोबली यानी कि इस मेन फंक्शन के ऊपर आप इसको डिक्लेयर करते हो, आप किसी भी फंक्शन में उसको यूज कर सकते हो। तो हमने जो है ये वेरिएबल्स बनाए हैं, तो हम जो है इसको कमेंट करते हैं और ग्लोबल वेरिएबल रखते हैं यहाँ पर। ये जो है ग्लोबल वेरिएबल आपका है आई और जे। अब हमने यहाँ पर नाम दिया था आई और इसको इनिशियलाइज किया, और आप इनिशियलाइज कर सकते हो कैपिटल ए से। उसके बाद से आपका आई जो होगी उसकी वैल्यू कहाँ तक ले जानी है, लेस देन और इक्वल टू ई तक। और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर जो आपका कैपिटल ए होता है, अभी आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया आई को इंट नाम का वेरिएबल है, ठीक है, और आप यहाँ पर स्टोर करा रहे हो कैरेक्टर। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो हम कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर अपना मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ हम डिवाइस यूज करते हैं तो उसमें जितने भी हम कैरेक्टर लिखते हैं, अल्फ़ाबेट लिखते हैं, वो सभी ASCII वैल्यू के रूप में स्टोर होती हैं। तो ASCII वैल्यू क्या होती है कि ये आपका एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें कि आपके ये जो अल्फ़ाबेट या फिर जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको एक डिजिट्स यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है। यहाँ पर जो कैपिटल है इसका होता है 65, तो वो जो वेरिएबल आपने यूज किया है उसमें जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी कैरेक्टर यूज करोगे तो उसकी जो ASCII वैल्यू है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो इसमें स्टोर होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें आई में तब 65 स्टोर होगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखने के लिए ऐसा लगेगा कि कैपिटल ए जो है यहाँ पर कैरेक्टर स्टोर हुआ है। और ऐसे ही प्लस 5 करोगे ये हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल ई। आई प्लस प्लस होगा जब 65 इसमें स्टोर किया तो आई प्लस प्लस होकर के 66 होगा। अगर आप यहाँ पर प्रिंट कराते हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पहले मैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा जे। अब जे को हमने इनिशियलाइज किया, सपोज अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर कंपेयर भी करना होगा। एक चीज़ अभी आप ध्यान दोगे, यहाँ पर मैंने लिया कैपिटल ई और जे की वैल्यू हम क्या करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, और यहाँ पर जे माइनस माइनस किया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, और आपका ये जो है एक कंडीशन है, ये जितनी बार ट्रू होगा उतनी बार ये प्रिंट करेगा, यानी कि आपका जो ट्रायंगुलर शेप प्रिंट कराना है वो उसके लिए ये जिम्मेदार है, आपकी ये कंडीशन, ठीक है। तो आपको ट्रायंगुलर शेप प्रिंट करने के लिए इस पे ध्यान देना है। और यहाँ पर हमने कैपिटल ई से क्यों इसको इनिशियलाइज किया है, तो अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं है कि कितना क्यों किया है, तो अभी आप थोड़ी देर में इसको समझ जाओगे, अब वीडियो देखते रहें। आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, प्रिंट एफ, और आपको प्रिंट कराना होगा परसेंट सी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर परसेंट डी लिख दोगे तो इसकी जो ASCII वैल्यू है, जो भी आप लिखे रहोगे वो प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पर हमें लिखना है कैपिटल सी और हमें प्रिंट कराना है आई, क्योंकि आई की ही वैल्यू के लिए ये चलता रहेगा, एक वैल्यू पे टिका रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कैपिटल ए है तो यहाँ पर कैपिटल ए प्रिंट करता रहेगा, उसके बाद से न्यू लाइन पे आना है। अब पूरा कैपिटल है जब प्रिंट हो जाएगा तो आपको न्यू लाइन पे आना है, तो न्यू लाइन पे आने के लिए यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करोगे, यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर। तो अब ये क्या करेगा, जी ये पूरा चल जाएगा तो आपका न्यू लाइन पे आ जाएगा, और उसके बाद से फिर आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पर आई प्लस प्लस होकर के फिर यहाँ पर जो है कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका फिर इसमें आएगा। अगर आपने यहाँ पर कैपिटल ए से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है ये जे इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू आई है, यानी कि अब सपोज जो है एक बार आपने पूरा प्रिंट कर लिया है, पांच बार आपका प्रिंट हो गया,
यहाँ पर जो आपका प्रिंट एफ है ये फर्स्ट टाइम जब चलेगा 5 बार प्रिंट करेगा, इससे आप देखोगे तो 5 बार प्रिंट कर लिया। अब अगर आपको फिर प्रिंट कराना है तो अगली बार में आपका 4 बार प्रिंट करना है। 4 बार प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जे की वैल्यू तो हमेशा जो इनिशियलाइज होगी पी से, लेकिन आपकी आई की वैल्यू प्लस प्लस हो रही है, तो आई की वैल्यू अब ए से बी हो गई है और उस बी वैल्यू के लिए ए चलेगा। आपको क्या करना है कि जे जो है ई से लेकर के बी तक चले, ई से स्टार्ट हो और यहाँ तक माइनस माइनस होगा तो बी तक चले। फिर अगली बार क्या होगा कि आपको सी जो है 3 बार प्रिंट करना है, ठीक है। तो जब सी जो है 3 बार प्रिंट करना है तो अब आई प्लस प्लस होगा, तो यहाँ से जो फर्स्ट टाइम पे था कैपिटल है, फिर सेकंड टाइम पे कैपिटल भी होगा, थर्ड टाइम पे कैपिटल सी। अब थर्ड टाइम पे कैपिटल सी हो गया है, अब फिर जो इसमें आएगा तो ये इनिशियलाइज होगा कैपिटल ई से, और यहाँ पर जो है माइनस माइनस होगा तो डी और फिर सी। तो यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है इस तरह से काम करेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें परसेंट सी लिखना होगा अगर करेक्टर प्रिंट कराना है, और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिंट करानी है तो यहाँ पर डी लिखनी होगी यहाँ पर प्रिंट अपने, ठीक है। अभी ये जो आपका प्रोग्राम है पूरा हो चुका है, इसको एक बार बिल्ड करेंगे हम और यहाँ पर देखेंगे क्या दे रहा है एरर। ओके, यहाँ पर एक आपका सेमी कॉलन, और यहाँ पर कोई एरर है नहीं, इसको एक बार देखते हैं। तो कोई एरर नहीं है, इसको रन कराते हैं, आपका ये प्रिंट हो चुका है। आपका ये जो है ये डिजायर्ड आउटपुट था, ये प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से पूरे प्रोग्राम को लिख सकते हैं। अब इसमें आपको अच्छे से ध्यान देने वाली बातें है कि ये जो आपका यहाँ पर कंडीशन है ये कैसे बनती है। तो अगर आपको ये कंडीशन नहीं समझ में आई है, मैं जो है इसका जो लिंक है जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि जिससे आप जो है इस ट्रायंगुलर शेप के लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे उसको समझ सकें, ठीक है। तो बाकी जो है हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अभी आपको जो एक पैटर्न दे देते हैं जिससे कि आप जो है अपने एंड पे ट्राई उसे ज़रूर करें, और अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप अगली वीडियो में उसे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये वाला पैटर्न रहेगा जिसको हम देखेंगे कि इसको कैसे हम प्रिंट करेंगे, इसके प्रोग्राम को कैसे लिखेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।